मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रजरप्पा स्थित शक्तिपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री के साथ उनके पिता राज्यसभा सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, माता रूपी सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन और भाभी व विधायक सीता सोरेन भी पूजा अर्चना में शामिल हुई। पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि माता के दरबार क्षेत्र में मेरी जन्मस्थली भी है। आज परिवार के सभी सदस्यों के साथ माता का आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत की है। मां छिन्न मस्तिष्का की कृपा से राज्य सुख शांति और समृद्धि और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रजरप्पा मंदिर पहुंचने पर न्यास समिति के सदस्यों के द्वारा बुके देकर और शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद मां छिन्नमस्तिके की पूजा अर्चना की और मां से नए साल पर परिवार की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा और राज्य की खुशहाली की कामना की। पूजा अर्चना के दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन सहित पूरे परिवार के साथ छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उपायुक्त माधवी मिश्रा और एसपी पीयूष पांडे सहित वरीय अधिकारियों ने उनका जोरदार ढंग से स्वागत किया। रामगढ़ जिला पुलिस प्रशासन की ओर मेजर कम सार्जेंट किशोर कुमार के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री के आगमन पर रामगढ़ जिला पुलिस प्रशासन की ओर से चप्पे चप्पे पुलिस जवानों की तैनाती थी ताकि परिंदे भी पर न मार सके। रजरप्पा मंदिर में मुख्यमंत्री का आगमन दिन के 1:30 बजे हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री ने 15 मिनट तक पूजा अर्चना की। रजरप्पा हमारा घर है, इसी ब्लॉक में ही हमारी जन्मस्थल भी है और सौभाग्य से माँ छिन्नमस्तिका का आशीर्वाद सदैव हमारे परिवार पर पड़ा है। अब 2023 की शुरुआत हो चुकी है, सब परिवार माँ के चरणों पर हम लोगों ने आशीर्वाद और प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए। आप सब लोगों को, राज्यवासियों को 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।